ए चला लोकल पर या। चलो जल्दी जल्दी लोड करो। चलो चले लोकर के साइड पर किधर। हाँ ठीक है चल। भाऊ नमस्कार। कर बोला टाइम से पहुंचा दे। हाँ सुबह सुबह गाड़ी ठोकती, ये क्या किया तूने? ले भाई राणा हो गया। इतनी स्पीड से ब्रेक कौन लगाता है? पी गया है क्या? एक तो तूने तोड़ा, ऊपर से मुझे बोल रहा है इसका पैसा क्या तेरा बाप दे? बाप पे मत जा। ए मर इसको, साले को गाड़ी चलाने नहीं आती है। निकल तू, निकल जा। रोहित क्या टाइम पास कर रहा है, जल्दी आना है। साले एक तो तुझसे संभल नहीं रही है, ऊपर से तुमने दो दो पर हाथ साफ कर दिए, अब करेंगे क्या दोनों का? अबे तू जल्दी गाड़ी मोड़, बताता हूँ बाद में तेरे को, जल्दी कर। ठीक है ना, ठीक है ना, चलो जाओ जाओ जाओ, चलो बैठो बैठो, जाओ जाओ जाओ। बाकी का तो मच्छी किधर गया? माल तो सब निकाल दिया था ना, और गाड़ी भी अच्छे से साफ कर दिया था। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, लेके आ रहे सुनील को। वेंकटेश्वर अन्ना, अन्ना पार्सल में दो फिश कम है, किधर गया? ये तो तू बताएगा ना। अन्ना ओमकर भाई जितना भेजा मैं लाया, अब फोन करके पूछो ना। जय वेंकटेश्वर अन्ना। जय वेंकटेश्वर ओंकार। ओंकार इधर 10 फिश आने का था, 8 पहुंचा, दो किधर? 8 मछलियां, लेकिन मैंने तो 10 भेजा अन्ना। समुंदर में रह के मगर से बैर नहीं करते। बोले दो फिश किधर? बोल, नहीं तो जैसे मछली बिना पानी के तड़पता है ना, ऐसे ही तड़पाऊंगा तुझे। बोलो ए मासी, ए ले ताई, अरे लेके जा जल्दी। ओ अंकल, फिश खरीदनी है क्या?
अरे क्या है साहब, सवेरे सवेरे गोंसाल्वेस का दिमाग खराब कर रहा है। एक तो इधर से सुबह से बोनी नहीं हुआ और तुम मच्छी बेचने के लिए आए। क्या अंकल भड़कता क्यों है? वो पार्टी देने के चक्कर में एक्स्ट्रा ले आया मैं। 1000 में दे दूंगा, ले लो। अरे ए बाऊ, उसको छोड़, मैं लेती ना 700 में, मेरे को दे, ला, ला, मेरे को दे। 800 मैं देता है, ए ले। ये बड़ा मच्छी बेचने के लिए बड़ा भेजा भी होना मांगता। सारा दिमाग तेरे को ही दिया ना ऊपर वाला, तेरे को तो मैं देख लेगी। वाह वाह वाह, आ गया। 800 रुपए मिले यार, पार्टी करेंगे आज तो। सुनना, इसको भी बेच कराना। आप ले लो 150-200 रुपए की मछली, बहुत हो जाएगी भाई। अबे पागल हो गया, तू शक हो जाएगा उसको यार। इसको गुंजालविस को, तुझे पता है शाम को दिनेश आने वाला है, मछली को देखते ना उसमें सांड की आत्मा घुस जाती है, साला कांटा तक चबा जाता है। जल्दी कर। इतनी सी बात के लिए आप मेरे को मार रहे हो अन्ना? मुझे नहीं पता दो मछली किधर है अन्ना, वो कितने का होगी मेरे को नहीं मालूम। मेरे पगार से काट लो आप अन्ना। कीमत देगा तो अन्ना को उसकी मछलियों की कीमत देगा, मालूम तेरे को? उन मछलियों की कीमत तेरी जान से ज्यादा, मालूम? अब बोल, इस रास्ते ने किधर उठाया वो मछलियाँ? बोल। अन्ना, अन्ना ये याद है अन्ना, अन्ना वो मेरा ना टेम्पो एक टैक्सी के साथ टकराया था और मेरा उधर झगड़ा हो गया उसके साथ, उधर रास्ते में एक ही बार मैंने गाड़ी को देता हूँ, जल्दी से मच्छी साफ करके दो। अरे क्या साहब आप जी, अपुन का फिश अंदर से खराब है, आप दूसरी जगह से ले लो। अरे क्या यार, नहीं देने का था तो फिर सुबह सुबह में टाइम खराब कर रहा है। सकाळी वो टेम्पो वाला और टैक्सी वाले का लफड़ा हुआ था, कुछ पता है किधर हुआ था? नहीं भाई नहीं पता। आज मॉर्निंग में इधर टेम्पो और टैक्सी का लफड़ा हुआ, मालूम है किधर हुआ? हाँ साहब, सुबह इधर ही हुआ। अरे हाय हाय, क्या बात है।
मछली जल की रानी है जीवन उसका, पानी है। बाहर निकालो तो मर जाएगी भाई। इस मछली ने तो सच में डरा दिया यार। क्या मतलब? अभी दिखाता हूँ, ये देख और भी है। हाँ? तीन भाई, कसम हो गया यार। अबे कितने हैं? चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ और ये दस। भाई एक पैकेट में 2 लाख रुपए, 10 पैकेट में 20 लाख रुपए, कितना सारा पैसा यार। चल विकास, आज तक तो मैंने ये सब सुना था कि भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता, आज देख भी लिया यार। भाई ये तो लेकिन मछली फाड़ के मिले यार। अबे जो भी फाड़ के मिले मिले तो सही। भाई किस्मत बदल गई यार। अबे सुनना, वो दूसरी वाली फिश उसको भी लेकर आते ना। अच्छा, ताकि 20 लाख रुपए भी चले जाए। तुझे क्या लगता है वो बंदा अभी तक मछली को संभाल के बैठा हुआ कि तू आएगा और तेरे को दे देगा? भाई अभी तक ना पूरा रायता फैल चुका होगा, वो टेम्पो वाला भी हमें ढूंढ रहा होगा। यार इतना सारा पैसा है, मुझे लग रहा है 2 नंबर का माल है। मैं क्या बोलता हूँ, दिनेश के आते ही ना शाम को पैकिंग शुरू कर देते हैं और सुबह होते ही निकल जाते हैं यहाँ से। क्या बोलता है? यही बोल रहा है यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वही बोल रहा हूँ यार। लेकिन भाई ये जो पैसा मिला इसकी पार्टी तो करेंगे ना भाई। बिल्कुल करेंगे यार। दर्शकों को बताइए कि आप क्या करते हैं और आपके पास कितने जाली नोट आए? मैडम जी, हम तो बस पान की छोटी सी दुकान चलाते हैं। उस दिन हम जब बैंक में अपना पैसा जमा करने गए तो हमारे 2500 रुपए में से 2000 का नोट जाली निकला और ऊपर से बैंक वालों ने पुलिस से हमारी शिकायत कर दी। वो तो पुलिस वाले भले मानुस थे जिन्होंने सिर्फ पूछताछ करके हमें छोड़ दिया। हमारी मेहनत की कमाई तो गई ना मैडम। मैडम हम ठहरे अनपढ़ आदमी, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नोट असली है कौन सा नोट जाली है? शंकर जैसे अनपढ़ गरीब मजदूरी करने वाले लोगों की तकलीफ और उनके सवाल बिल्कुल सही हैं, जिनका जवाब सरकारी एजेंसीज को ही देने होंगे, क्योंकि आम आदमी के खून पसीने की कमाई इन जाली नोटों की भेंट चढ़ रही है। और आज इसी सिलसिले में हम यहाँ CIF के कमिश्नर से बात करने आए हैं, जो कि कुछ दिनों से दिल्ली में ही है। सर, क्या आप बता सकते हैं ये जो जाली नोटों का सिलसिला राजस्थान गुजरात से शुरू हुआ है, ये अब दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों तक पहुंच चुका है, और वो लोग जो इस ब्रैकेट के पीछे हैं वो लोग और छोटे दुकानदारों को टारगेट कर रहे हैं जिन्हें असली और नकली नोटों की समझ नहीं है। हमें कल ही मुंबई से कुछ ऐसे ही इनपुट्स मिले हैं। करेंसी चेंज होने के बाद जाली नोटों का सिलसिला बिल्कुल खत्म हो गया था। करेंसी चेंज होने के बाद ही आतंकवाद भी जीरो लेवल पे आ गया था। अभी अभी ये जाली नोटों का सिलसिला फिर से शुरू हुआ है। मैं यकीन दिलाता हूँ इसे भी हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। जल्दी आप लोगों को कोई बहुत बड़ी खबर सुनने को मिलेगी। ओके? तो हम आपकी बातों से ये मान लें कि सरकारी एजेंसी पूरी तरीके से जागरूक है और आपको कोई बड़ी नीड भी मिल चुकी है। यस, ऐसा आप समझ सकती हैं। आखिरी सवाल सर, ये बता सकते हैं कि इन रैकेट के खिलाफ ऐसी कौन सी सरकारी एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं या करने जा रही हैं? आई एम श्योर इस सवाल का जवाब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ओके? साहब खुला नहीं है क्या? अरे मियाँ, ATM में से 500 के नोट निकल रहे हैं। अरे क्या देख रहे हो यार, जाली नोट नहीं है? वैसे भी हम पुलिस वाले हैं। माफ करना साहब, आजकल तो क्या है कि लोग जाली नोट चलाने के लिए नकली पुलिस वाला बन के घूमते हैं। लेकिन साहब आप नहीं है ऐसा लोग, ये लीजिए साहब। थैंक यू। जैन सर,
कैसा फेक करेंसी है? क्या माँ, इतने सारे लड़कों की फोटो भेजी है आपने? हाँ, इसका मतलब है तूने देखी ही नहीं। अरे बड़ी मुश्किल से राजी हुए थे दोनों लड़के। सारे फोटो ना दोनों लड़कों की ही हैं। वैसे ही लड़के वाले भाग जाते हैं सुनकर कि लड़की पुलिस में है। जो गलत होते हैं ना माँ, वही भागते हैं। और ऐसे लड़कों से शादी करने का कोई मतलब नहीं। अब आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं अपनी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती ना। बाद में बात करती हूँ सर। अगर ऐसा है तो इस रैकेट को जल्द से जल्द हम लोग सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे। जैन सर। क्या? जैन सर। जैन सर, दिल्ली से फोन आया था। मुंबई के एक पर्टिकुलर एरिया में मॉल की कुछ शॉप्स में और उस एरिया के आसपास की दुकानों से फेक करेंसी का मामला सामने आया है। हमें वहां की फुटेज भेजी जा रही है। तुम लोग जैक के साथ मिलकर उस दुकानों की फुटेज चेक करो। जो लोग भी कैश से सामान खरीद रहे हैं ना, उनकी लिस्ट बनाओ। कोई सस्पेक्ट मिले तो उसका डिटेल्स निकालो। ठीक है? अनुमान है? नहीं सर। ठीक है, मैं बात करता हूँ। शायद मुंबई निकलना पड़ेगा। सर, हमने मुंबई से आई सारी फुटेज को बारीकी से देखा और उन सारे लोगों की लिस्ट बनाई जिन्होंने मुंबई अंधेरी लोखंडवाला मॉल के साथ साथ आसपास में कैश में शॉपिंग की है। ये देख सर, हमें ऐसे 102 कस्टमर्स मिले हैं जिन्होंने 4 शॉप से कैश में परचेसिंग की है। जहां जहां ये फेक करेंसी मिली है वहां पे 2 कॉमन लोग मिले हैं। जैक थोड़ी दिखाओ। एंड सर, ये दोनों उस सलून पर भी गए हैं जहां से सेम सीरीज के फेक नोट पकड़े गए हैं। गुड जॉब टीम। मीनाक्षी, मुंबई पुलिस को बोलो कि सारे लोकल पुलिस स्टेशन में इन दोनों की फोटोग्राफ भेजें और पता करें इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। सर, हम एक बात से थोड़ा हैरान हैं। मान लें कि अगर हम ये नकली नोटों का धंधा करते हैं तो क्या हम इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि एक ही जगह पे इतने सारे अलग अलग दुकानों में जाकर ये नकली नोट का इस्तेमाल करेंगे? पॉइंट तो है मियाँ। एक पॉसिबिलिटी है कि उन दोनों को ये रुपए किसी और ने दिए हों और इस फेक करेंसी के बारे में दोनों अनजान हैं। हमें तो लगता है ये दोनों एजेंट हैं और रैकेट चला रहे। अरे यार, अब इन सारे सवालों का जवाब तो ये ही दोनों देंगे। कल सुबह की फ्लाइट से हम लोग मुंबई जा रहे हैं। हमारा पहला टारगेट होगा इन दोनों तक पहुँचना।